कुर्सी पे बैठने वालों को जमीन की अहमियत याद रहे, सच दिखाते हैं हम। सच का सामना में आपका एक बार फिर स्वागत है। आपके आइंदा के प्लान और मुद्दे क्या होंगे आवाम के लिए, शेतकरी के लिए, पावरलूम बुनकरों के लिए? ना, हमारे जो विषय है उसमें तो दो चीज पे हम कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं कि हर देहात में जो किसान है उनको पानी का मसाइल बहुत ज्यादा है, तो हर खेत में पानी होना चाहिए। जो हमारी गिरना और मौसम नदियां है ये साल के 12 महीने बहनी चाहिए, और उसके लिए तापी का जो पानी है वो रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट की तरह से हम कैसे गिरना मौसम में डाल सकते हैं, उससे जरिए से गिरना में डाल सकते हैं। नारपार का जो प्रोजेक्ट है उससे अभी तो 10 TMC को राज्य सरकार ने मंजूरी दी है, लेकिन 10 TMC से हमारा कुछ काम चलने वाला नहीं। हमको 450 TMC पानी नारपार का लाना है, तो उसके ऊपर काम करना है। और जो नौजवान बच्चे हैं उसमें जो पढ़े लिखे लोग हैं उनके पास नौकरी नहीं है, तो जो पढ़े लिखे नौजवान हैं उनको हम अच्छी नौकरी दिलवाना चाहते हैं। जो पढ़े लिखे नहीं है लेकिन वो स्किल लेबर है तो उनके लिए भी बड़े कारोबार यहाँ खड़े हो और उनके लिए रोजगार हो, ये हमारी कोशिश है। और इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि मुझे बारामती पैटर्न यहाँ करना है, तो बारामती में हर किसान के पास पानी है, हर किसान के पास अच्छा उसके खेत के लिए मार्केट है, उसके जो किसान का प्रोडक्ट है उसके लिए प्रोसेसिंग यूनिट्स है जिसके वो उसका क्वालिटी या दाम बढ़ सकता है। डेयरी फार्मिंग बहुत अच्छा है, पोल्ट्री फार्मिंग बहुत अच्छा है, और जो नौजवान बच्चे उनके लिए 140 फैक्ट्रीज वहाँ है, तो महाराष्ट्र में 140 फैक्ट्रीज दूसरे कोई तहसील में आपको नहीं मिलेगी जो बारामती में है। तो उसी तरीके से मालेगांव में अगर 100-150 इंडस्ट्रीज हम ला सके तो इन सारे बच्चों का जो एम्प्लॉयमेंट का इशू है वो हम सॉल्व कर सकेंगे, और उसके लिए हमको काम करना है। मालेगांव में जो हमारे बुनकर भाई है उनको हम अपलिफ्टमेंट कैसे कर सकते हैं उसकी कोशिश मैं पहले से कर रहा हूँ। आज भी हम ट्रेडिशनल पावर लूप में है, तो इससे हटा के हमको उनको एयर जेट हो, वाटर जेट हो, वहाँ तक कैसे ले जाया जा सकता है। जो सरकार के अनुदान था वो सारा अभी मिलना कई दिनों से बंद है, तो केंद्र सरकार की तरफ से वापस उनको पैसा मिलना कैसे शुरू हो। पावर लूप के लिए जो बिजली के दाम है वो बहुत कम होने चाहिए, आज वो बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए गए हैं। मैं सोचता हूँ कि पावर लूम ऐसी इंडस्ट्री है कि जो किसान को पैसा कमा के देती है, क्योंकि कपास उगाने वाला जो किसान है उसको अगर अच्छा पैसा देना है तो पावर लूम को हमको अच्छी तरीके से चलाना पड़ेगा। और इसलिए पावर लूम को जो फ्लक्चुएशन मार्केट का है वो तेजी और मंदी का दौर चलता है, वो हिसाब से उसमें काफ़ी बड़ा नुकसान भी कारोबारियों को उठाना पड़ रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि उसको एक स्टेबल मार्केट हम दे सके और बहुत कम दाम में उसको बिजली मिल सके, उसके टैक्सेशन जो है उसको कम कर सके, उसके लिए हम काम करेंगे। आपसे लास्ट सवाल, एक मुस्लिम इलाके के लिए स्पेशली, वहाँ पर बारिश के दिनों में लोगों के लिए ड्रेनेज सिस्टम नहीं है, पानी जमता चलने की कोई सुविधा नहीं है, इसके लिए आप क्या करेंगे? ये तो मैं आपको पहले से बोल चुका हूँ कि 20 साल आपने जिस आदमी को विधायक रखा, 10 साल जिस आदमी को आपने मंत्री रखा, वो अगर आज तक अपने रास्ते नहीं बना पाया, आपको गटरे नहीं दे पाया, उससे आप क्या उम्मीद से प्रोग्राम कर रहे हो? और मैं देख रहा हूँ कि वो आपके यहाँ जा रहे हैं, हरे दुपट्टे ओढ़ रहे हैं, सब नाटक जो हो रहा है, तो उसके देखते हुए तो मुझे लगता है कि जितना मैच्योर्ड वोटर मुस्लिम है उतना मैच्योर्ड वोटर तो दूसरा कोई है नहीं, तो लोग इनके झांसे में नहीं आएंगे। क्या लग रहा है कि बंदूक की सियासत भी चल रही है? बंदूक की सियासत तो बहुत चल रही है, बंदूक की नोक पे तो सियासत की जा रही है, और उसके खिलाफ तो मुझे लड़ना है। मालेगांव को भयमुक्त करना है, लोगों को निर्भय बन के अगर घूमना है तो आज जो सत्ता में उनको बाहर निकालना पड़ेगा। ये देखिए, अपील करने की वैसे तो जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं हमारे जो मुस्लिम भाई है वो सारे जानते हैं, सारे मसाइल जानते हैं, सारे मुद्दे जानते हैं, कैसे वोट करना है जानते हैं, उनको मैंने सिखाने की कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ उनसे इतना ही कहना चाहूंगा कि जो समझदारी से उन्होंने वोट पार्लियामेंट के चुनाव में किया था उसी समझदारी की वजह से हम बीजेपी की गवर्नमेंट को 400 पार करने से रोक पाए हैं। वो अगर 400 पार से रुके तो हमारा CA का मुद्दा हो, NRC का मुद्दा हो, आपका वक्फ बोर्ड का मुद्दा हो, या संविधान बदलने का मुद्दा हो, इन सारे मुद्दों पे उनको बैकफुट पे जाना पड़ रहा है, क्योंकि हमने उनको 400 पार नहीं होने दिया है। तो अभी असेंबली में भी ये सारे मुद्दे आएंगे, क्योंकि किसी भी कायदे को आपको लागू करना है तो दो तिहाई बहुमत से वो सारे राज्यों ने मंजूर करना पड़ता है। तो जो स्टेट गवर्नमेंट से वो अगर बीजेपी के खिलाफ की होगी तो ये कायदे पास नहीं हो पाएंगे। तो ये सारे कायदों को आपको रोकना है तो स्टेट में भी आपको बीजेपी के खिलाफ वाली सरकार लानी पड़ेगी, और वो लाने के लिए जिस तरह से शोभा बच्चों को एकजुट होकर आपने वोट दिया
उसी तरीके से देना पड़ेगा। यहाँ लोग आपको मजहब के नाम पे गुमराह करेंगे, कोई आपको उमरा कराएगा, कोई आपको और कोई टूर कराएगा। वैसे मुसलमानों के खिलाफ जिहाद चल रहा है, मुसलमानों का धर्म भ्रष्ट किया जा रहा है, आप लोगों को मजहब की राह से गुमराह किया जा रहा है, और ये बहुत गलत बात है। किसी के मजहब के साथ, मजहबी भावनाओं के साथ इस तरीके से सियासत के लिए खेलना, ये बहुत खराब चीज़ है। और कोई मौलवी, कोई मौलाना अगर इसमें साथ देते होंगे तो मुझे लगता है उनको भी अल्लाह के दरबार में हिसाब देना पड़ेगा। तो वो भी सोच समझ के अपने जो फतवे है वो निकाले। और जहाँ तक आवाम का सवाल है, मालेगांव की आवाम बहुत समझदार है और वो बहुत ठीक तरीके से वोट करेंगी, ये मेरी उम्मीद है।